देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक शख्स पुराने केस की याचिका दोबारा से दायर करता है, लेकिन कोर्ट ने उसे ही फटकार लगा ली। इसी के साथ ही उस पर 1,00,000 का जुर्माना ठोका गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आखिर इस शख्स के पास इतने पैसे आए कहां से, क्योंकि एक के बाद एक लगातार उसने कई सारी याचिकाएं दायर की है। सीधे तौर पर कहें कि वो सीएम योगी को मुश्किलों में डालने के लिए निकला था, लेकिन अब खुद मुश्किलों में फंस चुका है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2007 के गोरखपुर दंगा मामले का सुप्रीम कोर्ट की ओर से पटाक्षेप किए जाने के बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ की दोबारा याचिकाएं दायर करने के लिए परवेज परवाज और अन्य पर बुधवार यानी कि 22 फरवरी को 1,00,000 रुपए का जुर्माना या फिर यूं कहें अर्थ दंड लगाया है। बता दें कि गोरखपुर में 27 जनवरी 2007 के दौरान मुहर्रम के एक जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़प में एक हिंदू युवक की मृत्यु हो गई थी। स्थानीय पत्रकार परवाज ने 26 सितंबर 2008 को एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने उस युवक की मौत का बदला लेने का भाषण दिया था और इस भाषण के उसके पास कई सारे वीडियोस भी हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से मना कर दिया था। बता दें कि आवेदक ने सरकार के इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसे अदालत ने खारिज भी कर दिया था। बाद में उसने हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी, जिसे अब उच्चतम न्यायालय ने भी खारिज कर दिया है। बता दें कि आवेदक ने 11 अक्टूबर 2022 के निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने गोरखपुर दंगा मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दायर आपत्ति याचिका खारिज कर दी थी। बता दें इसी के साथ ही जस्टिस दिनेश कुमार ने परवाज और अन्य की याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत खारिज करते हुए 1,00,000 रुपए अर्थदंड लगाया और इसे सेना कल्याण कोष में 4 सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि ये अर्थदंड जमा नहीं करने पर इसकी वसूली याचिकाकर्ता की संपत्ति से भू राजस्व के बकाया के तौर पर भी की जाएगी। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता खुद कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है और वो 2007 से इस मामले को लड़ता रहा है। उसने निचली अदालत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी के लिए वकीलों पर भारी भरकम खर्च भी किया होगा। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस मुकदमे को लड़ने के लिए उसके संसाधन जांच का विषय होने चाहिए। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल की इस बात में दम है कि प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ काम कर रही ताकतों की ओर से इसे खड़ा किया गया है, जो प्रदेश और देश की प्रगति नहीं चाहती है। आपको बता दें इसी के साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस पहलू की जांच करना राज्य पर निर्भर है। हालांकि ये अदालत आगे कुछ नहीं कहना चाहती और ना ही इस संबंध में कोई निर्देश देना चाहती है। बता दें कि परवेज ने योगी के खिलाफ कानूनी लड़ाई निचली अदालत से शुरू की थी। उसने सबसे पहले गोरखपुर की अदालत में योगी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत केस दायर करने के लिए याचिका लगाई थी, जिसकी रीट सीजीएम कोर्ट से खारिज हुई। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के दखल के बाद तत्कालीन बीजेपी सांसद रहे योगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी कि परवेज ने फिर से हाई कोर्ट में एक याचिका लगा दी और साथ ही याचिका में कहा गया कि मामले की विवेचना ठीक से नहीं हो रही है और ये रीट लंबित थी कि 2017 में यूपी सरकार ने योगी के खिलाफ दर्ज मामले में जांच के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष को मान लिया, लेकिन परवेज को ये ठीक नहीं लगा, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा। फिलहाल अब जिस तरीके से उसने याचिका दायर की थी, इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है और इसी के साथ ही उस पर जुर्माना लगाया गया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस से इसकी जांच करने के लिए कि आखिर ये जो केस है वो लगातार 2007 से लड़ रहा है और इतने सालों तक उसने न सिर्फ
मैजिस्ट्रेट बल्कि हाई कोर्ट, निचली अदालत, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे तमाम उसने रास्ते तय किए हैं। तो इसको लेकर के उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2007 से अब तक की बात करें तो लगातार इस केस को लेकर के बहुत सारे पैसे खर्च हुए होंगे, और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसके संसाधन क्या है, इस चीज़ को लेकर के भी जाँच होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जो परवेज जिन्होंने याचिका दायर की गई है उसके भी आपराधिक बैकग्राउंड पर भी नजर डाला गया, कोर्ट का ये कहना है कि इसके खिलाफ खुद इतने सारे आपराधिक केसेस दर्ज हैं, ऐसे में ये लगातार इस केस को लड़ रहा है, और हो सकता है कि देश और सीएम योगी के जो विरोधी हों वो इसको फंडिंग कर रहे हों, जिसकी वजह से वो इतने सालों से लगातार इस केस की पैरवी कर रहा है, इस केस को लड़ रहा है, और इस केस को लड़ने वाले वकीलों पर लगातार इस तरीके से पैसे खर्च कर रहा है। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि लगातार देश में जो देश विरोधी लोग हैं वो इस तरीके से लोगों का इस्तेमाल करते हैं, पीछे रह करके उनको फंडिंग करते हैं, ताकि देश के खिलाफ इस तरीके से एजेंडा चलाया जा सके, जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है उनके खिलाफ इस तरीके से टिप्पणी की जा सके, उनके खिलाफ इस तरीके से बात या फिर कोई आर्टिकल या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री बना करके टारगेट करने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें ये मामला सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ का नहीं, बल्कि देखने को मिल रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के भी ऐसे कई सारे वाक्या देखने को मिला है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी के इमेज को लेकर के टारगेट करने की कोशिश की गई है, उनके इमेज को बदनाम करने की कोशिश की गई, वो चाहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के तहत हो या फिर जो अभी सामने आया था जॉर्ज सोरोस के बयान को लेकर के, तो इसमें भी उन्होंने सीधे क्लियरली ये बातें कही थी कि सत्ता परिवर्तन जो है वो बेहद जरूरी है इंडिया में, और अगर ये चीजें होती है तभी एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। साथ ही अगर हम जॉर्ज सोरोस की हिस्ट्री की तलाश करें तो वो ऐसी कई सारी कंपनीज को फंडिंग कर चुके हैं जो कि देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। भारत में कई ऐसे संगठन जॉर्ज सोरोस ने स्थापित किए हैं जिसमें ऐसे लोग काम करते हैं और लगातार इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, झूठी खबरें फैलाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लोगों को बरगलाया जा सके और लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। आपको बता दें फिलहाल ये कोर्ट की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है परवेज को लेकर के, क्योंकि जो याचिका उसने दायर की थी इसको तो कोर्ट ने खारिज किया ही किया, साथ ही ये एग्जाम्पल के तौर पर एक तरीके से अर्थ दंड भी लगाया है, ताकि अगर वो जुर्माना भरेगा तो इससे और भी लोगों को सबक मिलेगी, और इस तरीके से प्रोपेगेंडा सच करने वाले जो लोग होते हैं इस तरीके की याचिका दोबारा से दायर ना कर सके। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।